या हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर वन ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन इन गूगल स्टूडियो। सो इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि गूगल डेटा स्टूडियो क्या होता है, एंड देन उसमें हम लोग डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे वो हम सब्सिक्वेंट आगे फर्दर लेक्चर्स में सीखेंगे। सो गूगल डेटा स्टूडियो, टाइप करिए गूगल डेटा स्टूडियो। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं गूगल डेटा स्टूडियो, तो अब इसका नेम चेंज होकर लुकर हो गया है। ठीक है, तो पहले ये गूगल डेटा स्टूडियो था, अब इट्स कॉल्ड लुकर। तो ये क्या है, दिस इज, ये बस सेम टैबलू और पावर बीआई की तरह एक टूल है, विजुअलाइजेशन टूल, जिसमें हम लोग ग्राफ्स एंड चार्ट्स एंड डैशबोर्ड बनाते हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, सो इसका ओवरव्यू, ये लाइक टैबलू जो आपका है वो एक टूल है, पावर बीआई वो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, एंड ये एक गूगल स्टूडियो गूगल का टूल है, एंड ये ओपन सोर्स है, मतलब अभी ये करेंटली फ्री है, तो इसलिए इसको लर्न करना इजी है, एंड ऑल्सो लाइक डैशबोर्डिंग पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी कंपनीज इसको रिकमेंड भी करती हैं। सो अब इसमें हम अकाउंट कैसे सेट करेंगे, तो आपको एक, आपके पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, गूगल अकाउंट होने के बाद गूगल सर्च पे आप गूगल डेटा स्टूडियो सर्च कर सकते हैं और लुकर लिख सकते हैं। ठीक है, लुकर स्टूडियो, बोथ में रिजल्ट सेम आएगा। इसके बाद हम फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे। ठीक है, लिंक क्लिक करने के बाद इस तरीके का ये कुछ फ्रंट एंड आपको दिखाएगा कि हमारा लुकर स्टूडियो कैसा दिखता है, ये लैंडिंग पेज है इसका। ठीक है, अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो आप एक गूगल अकाउंट क्रिएट करिए, एंड देन में क्लिक करके साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, साइन इन करने के बाद आपको सेम ये फ्रंट पेज आ जाएगा। सो अब इसकी डिटेल बताते हैं क्या है ये फ्रंट पेज। तो ये क्रिएट रिपोर्ट है, यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट्स एक्चुअली क्रिएट करते हैं, लाइक डेट, जिसको हम लोग डैशबोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस पर क्रिएट ऑप्शन है, इसमें हम लोग रिपोर्ट है, डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे, मतलब किससे हम डेटा लेंगे। ठीक है, एंड एक और है एक्सप्लोरर बीटा, भी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास शेयर्ड विद मी, जो हम अभी डैशबोर्ड बनाएंगे उसके सारे डैशबोर्ड ड्राइव पर, या जो ड्राइव एक्चुअली कनेक्टेड रहेगा उसका ये इनपुट रहता है। ठीक है, ये डेटा सोर्सेज रहता है। अब एक्सेल से, एक्सेल के बाद एक्सेल में भी हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, बट वाई टैबलू और पावर बीआई आता है एक्चुअली। सो डेटा सोर्सेज के इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा इन टूल्स में होते हैं। ठीक है, सो पावर बी आई एंड जो हमारा टैबलू है वो पेड है, ये फ्री वर्जन है, एंड डेटा सोर्सेज का मीन्स हो गया कि कितने टाइप के डेटा सोर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम क्रिएट पे जाएंगे एंड डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे, तो अगर आप देखिए फर्स्ट आप कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, ये फर्स्ट टाइम आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, कंट्री नेम, कंपनी में आप कुछ भी डाल दीजिएगा, सेल्फ डाल दीजिएगा, एंड आई अग्री करके कंट्री इंडिया कर दीजिएगा इसमें। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम हमको ये सेटअप करना है। ठीक है, देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यस टू ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, एंड कंटिन्यू। सो ये देखिए, ये गूगल कनेक्टर्स हैं, मीन्स हम लोग गूगल एड से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बिग क्वेरी से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोई फाइल है लाइक, बट इसमें ना सीएसवी फाइल सिर्फ अपलोड कर सकते हैं, गूगल शीट्स होती हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं, देन ये हमारे पास कई डेटाबेसेस होते हैं लाइक माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस। ठीक है, तो वो भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब एनालिटिक्स भी हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्टर्स हैं। ठीक है, एंड वेरियस कनेक्टर्स और भी हैं जो पेड है, लाइक अगर आप सब देख सकते हैं तो ये इतने सारे कनेक्टर्स हमको मिलते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट टू यूज गूगल डेटा स्टूडियो इंस्टेड ऑफ एक्सेल। तो एक्सेल में तो हमारे पास खुद का एक्सेल का डेटा होता है, एंड फ्यू अब एपीआई एंड कनेक्टर्स आ गए हैं, बट इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर होता है गूगल डेटा स्टूडियो का। ओके, सो वंस यहाँ तक आप सेटअप कर लेते हैं, कर लीजिए, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, वी विल क्रिएट लाइक वी विल एक्सप्लोर द डैशबोर्डिंग पार्ट ऑफ
लुकर स्टूडियो। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।